सब लोग गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, बोलो बोलो गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग, उठो उठो उठो, 7 बज गए, उठो बाबू। अच्छा हो ना, अच्छा लड़का, गुड बॉय सब लोग बोलते हैं, देखिए रिगा रहा है। उठो उठो उठो, फटाक से उठो। हे गुड बॉय, उठिया। हे कितना सोना है। हेलो गुड मॉर्निंग, अभी हो रहा है 7:35 मॉर्निंग के, और जस्ट मैं नहा के आई हूँ और ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ। अभी 7:35 हो रहा है, मम्मी आज मंगलवार है तो कर रही हैं पूजा अपना, सुबह ही आधे घंटे हो गए उनको पूजा करते हो। जब वो पूजा करने गई तब मैं गई बाथरूम में, और अभी आई हूँ तो अभी मैंने रखा है पानी गर्म करने के लिए, और सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। भाई दोनों लोग बिस्तर में पड़े हैं, पापा नहा रहे हैं और मम्मी पूजा कर रही हैं, मैं भी नहा ली, अब चल रही हूँ कुछ तो कुछ करूँगी काम। और मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर दूँ। अभी आज का ना मौसम दिखाती हूँ, कितना मौसम बादल दिख रहे हैं, चलिए आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना मौसम व्यू आया हुआ है। गरम नहाए वाला ना एक देता नहीं, हमसे खफा है, हम उनसे खफा है, मगर बात करने को दिल चाहता है, हम उनसे खफा है। हेलो फैमिली, ब्लॉग स्टार्ट तो कर दी थी बट करना क्या है ये नहीं पता था मुझे बिल्कुल भी। तो अभी बज रहे 11:30, अभी जस्ट मैं थोड़ा सा कुछ खा के आई हूँ, पेट पूजा, और जब खा रही थी ना तभी कॉल आया डिलीवरी वाले का कि आपका घर वहीं है ना, जैसे हमेशा आते रहते हैं, मैं शॉपिंग करती रहती हूँ जैसे आपको पता ही है। मैंने बोला हाँ, तो फिर मैं ना शॉक्ड हो गई कि क्या, मैंने पूछा कि पे करना है कि क्या है। मैंने अभी साड़ी ऑर्डर किया था तो आने वाला था, तो मुझे लगा कि इतनी जल्दी तो आएगा नहीं, मैंने 2-3 दिन पहले ही किया था। तो फिर मैंने पूछा तो वो बोले कि पे हो गया है, बस आपको रिसीव करना है। तो एक दीदी हैं जिनको मेरे ब्लॉग में आप लोगों ने बहुत टाइम पहले देखा होगा, इंडियन यूट्यूबर सारिका, और उनका उनके चैनल के बारे में अगर आप जानते हो तो अच्छा है, नहीं जानते हो तो उनके चैनल पर ज़रूर विजिट करें। अभी 50,000 सब्सक्राइबर उनके कंप्लीट हुए हैं, और वो हमारे देवरिया की बहू हैं बट रहती चंडीगढ़ हैं, और वहीं रहती हैं, बट एक बार आई थी पिछले साल अप्रैल में आई थिंक की, तो मतलब नहीं इसी साल अप्रैल में स्टार्टिंग में आई थी, तो मेरे से बात हुआ था और मैं मिली थी उनसे फर्स्ट टाइम, बस एक बार मिली हूँ। तो उन्होंने मुझे बर्थडे पे कुछ देने का प्लान करा था, उन्होंने बार बार मांगा था कि एड्रेस दे दो, मैं कुछ गिफ्ट करना चाहती हूँ। तो मैंने पहले तो बहुत टाइम तक टाला, फिर मैंने बोला कि ठीक है दे देती हूँ, तो मैंने एड्रेस दे रखा था बट मुझे पता नहीं था कि कब ऑर्डर करेंगी क्या, मैंने दे के ऐसे छोड़ दिया था। तो फिर फाइनली उन्होंने ऑर्डर जो किया था मेरे लिए गिफ्ट, वो मुझे रिसीव हुआ है। वो सुबह कोरियर वाले ने फ़ोन किया मतलब 1 घंटे पहले कि आपका प्रिया रिसीव करना है, आपका प्रोडक्ट है। तो मैं ली और देखी बहुत ही अच्छा सा, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो ये है बहुत अच्छा सा हैंडबैग बोल सकते हैं, बैग बोल सकते हैं, जो भी बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, बहुत ही अच्छा सा है। और सच बताऊँ ना तो मेरे पास 2 है, लेकिन ना दोनों अभी मुझे पसंद नहीं आ रहा। एक का कलर थोड़ा सा ना एक होता है ना पता नहीं क्यों डार्क हो जाता है तो छूटने जैसे, तो वैसे हो गया, और एक है तो बहुत बड़ा है, थोड़ा बड़ा है, तो मैं उसको कैरी नहीं करती हूँ। मुझे चाहिए था बट मैं ले नहीं पा रही थी, भूल जा रहा था, और अभी इधर कहीं जाना भी नहीं था, तो मैंने सोचा क्या करें ले के रखना ये, बट दीदी ने गिफ्ट किया सच में, थैंक यू सो मच, लव यू दीदी। और इंडियन यूट्यूबर सारिका है, अगर उनको आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो फिर भी उनको जाके विजिट करो, उनके चैनल पर जाओ और सर्च करो यूट्यूब पे इंडियन यूट्यूबर सारिका, उनका आ जाएगा। और इस बैग के अंदर ना एक छोटू सा और भी बैग है, छोटू सा ऐसे बैग है, इसमें दिया हुआ है हैंग करने के लिए अंदर डोरी पट्टी जो भी बोलते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। एक छोटू सा एक बड़ा सा, 2 पर्स है, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच दीदी, लव यू। आपने गिफ्ट भेजा उसके लिए थैंक यू, और आप लोग इतना मुझे प्यार सपोर्ट देते हो, इतना मानते हो मुझे, इतनी फिक्र करते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, मुझे लाइक कमेंट शेयर करते हो, और मेरी वीडियोस को भर भर के देखते हो, मतलब प्यार देते हो, तो सबको थैंक यू सो मच। जो लोग मुझे हेट देते हैं ना उनको भी दिल से लव यू यार, क्योंकि अगर आप जैसे मतलब जो हेटर देख रहे हैं आप जैसे लोग अगर होगे नहीं तो हमारी कमियां हमको कैसे पता चलेंगी कि हमारे अंदर कमियां क्या हैं आखिर, बस यही सीधी सी बात है। तो जो हेट देते हैं उनको भी लव यू, और जो प्यार देते हैं उनको बहुत सारा लव यू। तो चलिए जो भी होगा आगे ब्लॉग में ही शेयर करूँगी, अब तो इसको रख देती हूँ मैं,
क्योंकि उनको ना आप उस पर भी सर्च कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी, इंडियन यूट्यूबर शारिका से ही अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो उनको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना। सब्सक्राइबर यहाँ तो ठीक है, चैनल उनका बहुत अच्छा चलता है, बट फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे थोड़े कम है, तो वहाँ पे आप उनको सपोर्ट कर सकते हो अगर आपका मन हुआ तो। फॉलो ज़रूर करना, लाइक करना, कमेंट करना, बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सी रील्स बनाती हैं अपने बेटे के साथ अपना, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही क्रिएटिव हैं, तो ज़रूर फॉलो करिएगा। सो फैमिली, अभी टाइम हो रहा है 1:11 हो रहा है अभी, और मैं जा रही हूँ मंदिर, मंदिर पे पूजा करने नहीं जा रही हूँ, 1:30 कौन पूजा करता है, जस्ट जा रही हूँ कुछ मंदिर के पास, एक दीदी है उनके वहाँ कुछ काम है, तो करके वापस आऊँगी, 5 मिनट रुकूँगी उनके पास, फिर जाके वापस आऊँगी मैं। और यहाँ पे ना तब से लेट ही हुई थी, वीडियो जब से बनाया, एडिट की कुछ, और इंस्टाग्राम पे कुछ मतलब देर ऑनलाइन थी, अभी ना वहीं लेटी थी, अब काम है थोड़ा सा तो जाना पड़ेगा, कुछ करूँगी नहीं, मंदिर पे ही जाना है, सिंपल सोवर सा तो वहीं तैयार, बस स्लीपर डाल लूँगी और जाऊँगी। बाबू लेके जा रहे हैं पवन जी, पवन आज वीडियो में आए नहीं, सब लोग तुमको मिस कर रहे थे कल वाले में, परसों में। अच्छा फटाक से भाव बढ़ा है इसका, मिलवा तो घर में नहीं जाना, रुको एक मिनट। हाय बाय। और वहाँ से आने के बाद ना मैंने देखा कि मम्मी छत पे बिस्तर जो हम लोगों ने कल वीडियो में स्टार्ट किया था बनाना, तो वो मम्मी मतलब टांके लगा रही थी इस पर, मतलब बुनाई कर रही थी, बहुत छोटे छोटे से टांके लगाने होते हैं, मतलब कि सिलना होता है तो टाइम लगता है, तो मम्मी ने सोचा कि कर लेती हूँ, मैं चली गई थी। वैसे मेरे हाथ में चोट है तो मैं कर नहीं पाऊँगी, अगर करना भी चाहूँ तो। मम्मी सिल रही थी, मैं लेटी हुई थी यहाँ पर, तो सोचा आप लोग को दिखाऊँ। और कल के ब्लॉग में मम्मी को बहुत सारा आप लोगों ने प्यार दिया, बोला टैलेंटेड है चाची, पवन जी को प्यार दे रहे हो आप लोग, मुझे सपोर्ट करते हो, थैंक यू, हर ब्लॉग में थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि बहुत ही मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबकी। और यहाँ पे ना शाम को बना था चना दाल, ऑली चना दाल और चावल, तो ये दाल बना के हमने फ्राई कर दिया था, वही सिंपल प्याज लहसुन मिर्च टमाटर से, और धनिया की पत्ती ऊपर से गार्निश कर दी थी, बहुत अच्छा तो नहीं लगता है, बट हाँ खा लेते हैं, मैं खा लेती हूँ, मुझे उतना चना दाल अच्छा नहीं लगता है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, वीडियो कैसी लगी बताइएगा, ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आ गए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करके जाना, बाय।